सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट ऑन अ बॉडी वेयर द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स मेकिंग द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। अब इसका क्या मतलब, ये एक बॉडी है, इसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं जो बना। इस पॉइंट पर अगर इस बॉडी को आप पाइवट करेंगे या होल्ड करना चाहेंगे तो क्या होगा, ये मोमेंट्स इधर सब किधर करेंगे, एंटी क्लॉक वाइज, बॉडी ऐसे झूम जाएगी। इस पॉइंट पे अगर आप करेंगे तो क्या होगा, ऐसे झूम जाएगी। लेकिन एक पॉइंट आएगा जिस पे आप ये बॉडी आपकी सस्पेंड हो जाएगी या बैलेंस हो जाएगी। तो उस पॉइंट पे सम ऑफ इज अ बॉडी इज वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट ऑन अ बॉडी वेयर द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स मेकिंग द बॉडी। यू कैन ट्राई बैलेंसिंग दिस। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बैलेंस हो गई, यहाँ पे क्या हुआ गिर गई, यहाँ पे क्या हुआ गिर गई। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम यहाँ पे मान के चलेंगे, यहाँ कहीं पे है इस बॉडी। रेगुलर बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होती है। एक सर्कल है, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ये है, एक स्क्वायर है, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ये है। इसी तरह से ट्रायंगल का ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है, मीडियन का बाइसेक्टर है, ये है मीडियन। एक स्ट्रेट लाइन, एक रूलर है मान लीजिए, स्केल है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये उसका ज्योमेट्रिक मीन होगा। एक थिन रॉड है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बीच में होगा। तो ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको देंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटीज किस किस के कहाँ कहाँ हैं, और उस बेसिस पे आपको यू विल हैव टू रिमेंबर दैट।